Hey, what's up guys? Welcome to IT Creators. तो आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कुछ एडवांस लेवल का मिलिट्री एंड पुलिस टेक्नोलॉजी, जो ये सभी टेक्नोलॉजी को यूज करके आर्मी एंड पुलिस बड़े से बड़े सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। ऐसे ही पावरफुल है ये सभी गैजेट्स टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों चलिए एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं एंड देखते हैं कौन सा वाला टेक्नोलॉजी ज्यादा पावरफुल है। और IT Creators YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ये नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करके ये ऑल में क्लिक कर दीजिए। नंबर 9, OT100 OR3। शहर के कोने कोने हर रास्ते में पेट्रोलिंग करने के लिए इस कार का इन्वेंशन किया गया है। इस कार को पुलिस कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाता है। अगर किसी को मदद की जरूरत है तो इस कार के सामने में आके मदद बुला सकता है। वैसे तो ये OT100 OR3 ये कार फुल्ली ऑटोमेटेड है। इस कार को कंट्रोल करके चलाने का जरूरत नहीं पड़ता है। कार के ऊपर में लगाया गया अलग अलग डायरेक्शन में कैमरा एंड नीचे में लगाया गया इसका सेंसर ऑटोमेटिकली ट्रैफिक डिटेक्ट करके ये खुद ब खुद ब्रेक लगा सकता है एंड खुद चल सकता है। इस रोबोट पेट्रोलिंग कार से भेजा गया हर एक इलीगल नोटिफिकेशन को कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाता है। मे बी इस तरीके का टेक्नोलॉजी के वजह से हमारा फ्यूचर में क्राइम एकदम से खत्म हो सकता है। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 8, सरकोस गार्डियन। दोस्तों क्रिमिनल एंड टेररिस्ट को ढूंढने के लिए एंड स्ट्रिंग ऑपरेशन करने से पहले आर्मी इस तरीके का रोबोट का यूज करते हैं। ये रोबोट किसी भी सिचुएशन में किसी भी जगह से आराम से चल सकता है, जैसे कि पत्थरों के ऊपर से, मड के ऊपर से, रेत के ऊपर से एंड स्नो के ऊपर से। इस रोबोट को अप टू 4 माइल डिस्टेंस से भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये सांप की तरह लंबा, स्लिम एंड फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये रोबोट किसी भी जगह में आराम से घुस सकता है एंड इसका कैमरा क्लाउड बेस्ड होने की वजह से फोटोग्राफी यानी वीडियोग्राफी में कोई भी कमियां नहीं आती है। नंबर 7, 5 वाट ग्रीन लेजर। ऐसे लेजर सिर्फ पुलिस एंड आर्मी लोग यूज कर सकते हैं उसका स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए। ये लेजर इतना पावरफुल है कि 2 से 5 किलोमीटर दूर किसी भी जगह को टारगेट बना सकता है एंड इस लेजर के मदद से किसी भी एक जगह को अच्छे से स्कैन करके देखते हैं वहां पर कोई है कि नहीं। इस लेजर के पीछे में कैमरा की तरह सेंसर लगे रहते हैं। अगर सामने में किसी भी चीज को ये डिटेक्ट कर लेता है तो उस स्पॉट को स्कैन करके फोटो बना लेता है। वैसे तो रात के अंधेरे में क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए इस तरीके का लेजर का यूज किया जाता है। नंबर 6, HDT हंटर उल्फ। दोस्तों इंट्रोड्यूसिंग द रेडियो कंट्रोलर HDT हंटर उल्फ, जो 30 मिलीमीटर लाइव वायर कर सकता है। कंट्रोल रूम में बैठ के ये HDT हंटर उल्फ को कंट्रोल किया जाता है। वार के वक्त इस तरीके का मशीन गन काफी यूजफुल साबित हो सकता है। इसका निशाना इतना परफेक्ट है कि 1 किलोमीटर दूर से भी ये आसानी से किसी भी चीज को फायर कर सकता है। ऐसे रेडियो कंट्रोल एंड ऑटोमेटेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी के वजह से आर्मी को काफी फायदा मिलता है। नंबर 5, आईरिस रोबोटिक कार। दोस्तों इंट्रोड्यूसिंग द आईरिस रोबोटिक आर्मी कार। सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले सटीक दुश्मन का पता लगाने के लिए इस तरीके का रोबोटिक कार का यूज किया जाता है। इस रोबोटिक कार में आपको मिलेंगे नाइट विजन कैमरा के साथ ऑडियो रिसीविंग फीचर। इसके साथ साथ अलग अलग लेजर पॉइंटर एंड और भी काफी सारा यूनिक फीचर्स इस कार में आपको मिल जाएंगे। इस कार को अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है। इसका व्हील एंड बॉडी डिजाइन के वजह से ये कार किसी भी जगह में आराम से चल सकता है। नंबर 4, लिफ्ट एयरक्राफ्ट। दोस्तों इंट्रोड्यूसिंग द लिफ्ट एयरक्राफ्ट, जो एक 1 पैसेंजर मिनी ड्रोन है।
एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए ये वन पैसेंजर मिनी ड्रोन काफी यूजफुल हो सकता है। आप बस एक या दो घंटे के अंदर अंदर आप एक शहर से दूसरे शहर में आराम से जा सकते हैं। इसे कंट्रोल करना इतना भी मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसे चला सकते हैं। फिलहाल ये वन पैसेंजर मिनी ड्रोन को दुबई में टेस्ट किया जा रहा है। नंबर 3, रोवर लैंड एंड सी। दोस्तों, इंट्रोड्यूसिंग द रोवर लैंड एंड सी। ये एक छोटा टॉय कार है। इस कार को मिलिट्री एंड पुलिस पर्पस में भी यूज किया जाता है, बिकॉज ये कार जमीन में चलने के साथ साथ पानी में भी चल सकता है, एक वाटर बोट की तरह। ये रोवर लैंड एंड सी कार को आपका स्मार्टफोन से कनेक्ट करके स्मार्टफोन से ही कंट्रोल करके चला पाएंगे। इस कार में आपको मिलेंगे 150 फीट तक अप टू वायरलेस कंट्रोलिंग फीचर। ये रेडियो कंट्रोल कैमरा कार पानी में एंड जमीन में बराबर चलने की वजह से इससे आर्मी को एंड पुलिस को काफी मदद मिल जाता है। नंबर 2, स्काई वॉल एंटी ड्रोन। अगर सरकारी इलाके में कोई अनवांटेड ड्रोन घुस आए तो उस ड्रोन को डिफ्यूज करने के लिए इस तरीके का स्काई वॉल ड्रोन लॉन्चर का यूज किया जाता है। ड्रोन लॉन्चर यानी ड्रोन डिफ्यूज करने वाला लॉन्चर। इस लॉन्चर से पहले ड्रोन को टारगेट करके टारगेट को लॉक किया जाता है, उसके बाद ट्रिगर बटन को प्रेस करने के साथ साथ ड्रोन के ऊपर फायर होता है। इससे जो फायर होता है नॉर्मल बुलेट की तरह नहीं है, इसके अंदर से निकल के आता है एक नेट, जो ये नेट ड्रोन को कैच करके जमीन में ड्रोन को गिरा देता है। सरकारी खुफिया इलाके को सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके का लॉन्चर का यूज किया जाता है ड्रोन से बचने के लिए। नंबर 1, बोनजेना रियोट। दोस्तों, इंट्रोड्यूसिंग बोनजेना रियोट कंट्रोल यूनिट। इस यूनिट को स्पेशली इन्वेंट किया गया है पुलिस एंड मिलिट्री सेफ्टी के लिए। ये बेसिकली एक शील्ड की तरह है जिसके पीछे में पुलिस एंड मिलिट्री रहते हैं। इस शील्ड को कुछ इस तरीके से एक्सपेंड भी किया जा सकता है। इस रियर कंट्रोल यूनिट को बुलेट प्रूफ बनाने के साथ साथ पुलिस एंड मिलिट्री का सेफ्टी के लिए हर एक इंतजाम किया गया है। इसके पीछे में पूरा फौज आराम से कवर हो सकता है, तो किसी भी वायलेंट सिचुएशन को कंट्रोल में ले आने के लिए इस तरीके का इन्वेंशन पुलिस के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, ये अमेजिंग वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपका फ्रेंड्स के साथ फेसबुक एंड व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। एंड अभी आपका स्क्रीन में मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल का प्रोफाइल पिक्चर को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको काफी सारा नया गैजेट्स देखने को मिलेगा। तो नया एडवांस टेक्नोलॉजी गैजेट्स को देखते रहिए एंड नया इन्वेंशन करते रहिए।